राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अयोध्या में जो गैर विवादित स्थल है उसे राम जन्मभूमि न्यास को वापस सौंप देना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया है कि जिस भूमि पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद है वह सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखे। सरकार की ओर से मंशा जाहिर की गई है कि गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी जाए ताकि उस हिस्से पर निर्माण शुरू हो सके। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस बोबडे के छुट्टी पर जाने की वजह से सुनवाई टल गई। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अयोध्या में हिंदू पक्षकारों का जो हिस्सा दिया गया है वह राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाए, जबकि 2.77 एकड़ भूमि का कुछ हिस्सा भारत सरकार को लौटा दिया जाए। गौरतलब है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के आसपास की करीब 70 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के पास है। इसमें 2.77 एकड़ की जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिस भूमि पर विवाद है वह जमीन 0.313 एकड़ ही है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन पर स्टे लगा दिया था और किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से इनकार किया था। सरकार का कहना है कि इस जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार को सौंप दी जाए। मोदी सरकार का कहना है कि जिस जमीन पर विवाद नहीं है उसे वापस सौंपा जाए। गौरतलब है कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन वह टल गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ कर रही है जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्या लगाई कि आज का सारा दिन हमारा दो पक्षकारों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का जवाब लेते ही गुजर गया। अनूप जौहर चौधरी साहब ने कहा कि सरकार की ये दलील, ये अर्जी बिल्कुल बकवास है क्योंकि इसका कानूनी वैधता कुछ नहीं है। जिस मामले में ओरिजिनल याचिकाकर्ता इस दुनिया में नहीं है, उनके एलआर नहीं है, ऐसे में उनके वकील नहीं है, तो ऐसे में नोटिस किसके पास जाएगा? ये पूरी तरह सरकार के वकीलों ने उन्हें सही राय नहीं दी। उनकी दलीलों पर एक बार फिर हम विष्णु शंकर जैन के पास पहुंचे हैं। हिंदू महासभा के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में पैरोकारी करते हैं। विष्णु, इस दलील पर क्या कहना उनका कहना है? मुझे कोई मतलब मुझे तो हंसी आती है इस दलील पे क्योंकि अनूप जौहर चौधरी साहब उस मैटर में है, अनूप जौहर चौधरी साहब उस मैटर में है जिसमें राजीव धवन ने 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस्लाम में मस्जिद होना एसेंशियल पार्ट है नमाज पढ़ने के लिए, और ये उन्होंने दलील दी थी इस्माइल फारूकी के केस में। क्या वो इस्माइल फारूकी को ढूंढने गए थे? क्या इस्माइल फारूकी को नोटिस दी थी जो ऑलरेडी मर चुके हैं? तो ये बात कहना ये बहुत ही बचपने की बात है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सूट है हिंदू मुस्लिम पक्षकारों के बीच में। ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूट को ट्रीट किया है और किसी भी पार्टी का, किसी भी पक्ष का कोई भी आदमी इसमें आके अपनी बात रख सकता है। ये दो समुदायों के बीच में सूट है और इसलिए ये कहना कि असलम हुरे के केस में वो मर चुके हैं इसलिए उसमें एप्लीकेशन नहीं फाइल हो सकती है, ये बहुत ही हंसी की बात है। और जिस आदमी ने भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की उसे पता होना चाहिए कि किसी भी डिस्पोज ऑफ मैटर में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है क्योंकि वो सेटल्ड लॉ ऑफ द लैंड है। तो इसलिए उसी मैटर में जो डायरेक्शन दिया गया था कि स्टेटस को रहेगा तो केंद्र सरकार उसी मैटर में एप्लीकेशन फाइल करेगी, किसी और मैटर में एप्लीकेशन क्यों फाइल करेगी? सरकार का कहना है कि जो विवादित भूमि है उसको छोड़ दिया जाए लेकिन जो गैर विवादित भूमि है जो अक्वायर किया गया था नरसिंह राव सरकार के समय उसको उसमें से कुछ हिस्सा रिलीज कर दिया जाए ताकि एक कॉरिडोर बनाया जा सके। देखिए सरकार का ये अप्रोच बहुत सही है और ये कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की दिशा में बढ़ता है क्योंकि एडमिटेड फैक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में कि 1200 स्क्वायर फीट लैंड चाहे 0.313 एकड़ ऑफ लैंड वही लैंड है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले से 3 हिस्सों में बांटा था। आज सरकार कह रही है उसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, जितनी दिन में सुनवाई करनी करे हम उसको टच नहीं करते, पर जो बाकी एरिया था जहाँ पे धर्मशाला थी, मंदिर थी, मठ थी और जो फंक्शन कर रहे थे ऑलरेडी उसको हम उनको वापस दे रहे हैं कि वहाँ पे जो भी वो काम करना चाहें वो कर सकें और मुझे लगता है बहुत ही वेलकम मूव है। सरकार ने जाहिरा तौर पर तो ये कहा है कि जो गैर विवादित जगह है उसके बीच में सेंटर में वो विवादित जगह आती है 2.77 एकड़ यानी 2.77 एकड़ जमीन। सरकार ये कहती है कि हम उसमें एक कॉरिडोर, एक रास्ता बनाना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो जमीन जिसे भी मिले, ऐसा नहीं हो कि जब तक फैसला है तब तक चारों ओर मंदिर बन जाएं, उसमें कॉरिडोर बनाया जाए ताकि अगर फैसला किसी के भी हक में जाता है तो उसे आने जाने के लिए रास्ता मिले। दिखावे में तो ये है, छुपावे में क्या है ये पता नहीं।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कब सुनवाई पर आता है। पहले तो बेंच बैठे और सुनवाई शुरू हो, सबको इंतजार है उसी का।